बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अधिकारियों से अनुमति पास मिलने के बाद ही शादी समारोह में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। शादी समारोह में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है और बिना अनुमति पास के शादी समारोह में शामिल होने के लिए लोगों पर अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। पटना के गच्ची दरगाह से शादी कर वापस अपने घर दानापुर लौट रहे दूल्हे को रास्ते में बाईपास 49 के पास ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। शनिवार सुबह लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सुबह से ही पुलिस अधिकारी की टीम सड़कों पर वाहन जांच कर रही थी, जहां दूल्हा बिना अनुमति पास के शादी करके दुल्हन को अपने साथ वाहन से ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। तस्वीर में देख सकते हैं कि दूल्हे के पास अनुमति पास नहीं है, जाली पास लेकर दूल्हे ने शादी रचा ली है और पुलिस पदाधिकारी लॉकडाउन गाइडलाइंस के उल्लंघन मामले में दूल्हे से 2000 का फाइन जमा करने के लिए बोल रहे हैं। काफी समय बाद दूल्हे ने 2000 फाइन ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को दे दिया, जिसके बाद दूल्हे ने कहा कि लॉकडाउन में शादी करना बहुत महंगा पड़ रहा है, 3 दिन से बिना पास के ही इधर उधर घूम रहे हैं, कई जगह पुलिस को पैसा देना पड़ रहा है। दानापुर थाने में गया कि सर हमको शादी है, पास बनाना है, तो ऐसा ऐसा कागज लिख के दिए तो हम भी लिख के दिए, तो बोले इसको फोटो कॉपी करा लो, एक अपने पास रख लिए, हम रख लिए, बोले कि सर मोहर नहीं है और साइन भी नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मास्क लगाने रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो फोन करना। जबकि नियम क्या है, अनुमति कहाँ से, अनुमति लेने के लिए कहा गया है, ब्लॉक से? पहले थाना से अनुमति, मतलब सर थाना से ना कोई अनुमति हो रहा है। आखिर न्यूज 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।